अरे भाई साहब, इनका प्रोग्राम कैसा है पता है? ये जब बुल जंपिंग कर लेते उसके बाद ये घर नहीं जाते भाई, जो यंगस्टर लड़के हैं वो बाहर ही रहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग इथियोपिया के तुर्मी से कोई 4-5 किलोमीटर दूर एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है, वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे चल रहा है बुल जंपिंग प्रोग्राम। मतलब लोग हैं वो बेल को खड़ा रख के उसके ऊपर से कूदते हैं। वो हर रोज नहीं होता है, आज मंडे है तो आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो आज हम उसको देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग इस नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे और फिर उस चीज़ को आपको दिखाएंगे। इसलिए हमारे साथ में ये भाई साहब भी हैं जो हमारे गाइड हैं। व्हाट इज योर नेम ब्रो? माय नेम इज जिनो। जिनो, जिनो हमारे साथ में आए हैं और हम दोनों इस तरफ जा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये हमारे ट्राइब के ही लोग हैं, जो मार्केट में पिछले वीडियो में देखे थे वही लोग हैं। बुल जंपिंग वो है सीन है जिसके अंदर जो बंदा बुल को कूद जाएगा वो लोग यंग होगा। इस नदी का नाम है केस्के नदी और ये नदी आगे जाके लेक तुर्काना, जो बड़ी सी लेक है केन्या और इथियोपिया बॉर्डर के साथ में, उसमें मिल जाती है। तो आज हम फिर लकी हैं वो जो मार्केट है उसके बाद में कि ये चीज हमें देखने को मिली है। अब ये महिला देखो भाई, उसके घुंघरू बंधे हुए हैं, ये इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल आ रही है। देखो बहुत सारे लोग पीछे से आ रहे हैं लेकिन ये भी आ रही है, देखो वो गाना भी गा रही है। ये देखो गाना गा रही है। अब देखो भाई, नदी में से बेल भी आ रहे हैं, इन बेलों को साथ में खड़ा रखेंगे और फिर इसके ऊपर से लड़के और कूदेंगे। तो अभी हमने नदी को तो क्रॉस कर लिया है, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखो कुछ लोग यहाँ पे सो भी रहे हैं और कुछ लोग आगे प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। ये देखो, ये कुर्सी को तकिया बना दिया और पेड़ों के नीचे काफ़ी सारे फॉरेनर लोग भी ऑलरेडी यहाँ पे। तो अभी ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ पिला भी रहे, पानी पिला रहे हैं और महिलाएं यहाँ पे आ गई। ये पानी वानी कुछ पिला रहे नदी में से लगा के और उसके बाद ये लोग पेंटिंग वेंटिंग करेंगे, कुछ गाना बजा रहे हैं। ये वुमेन एक्टिंग कर रही है, ये वुमेन एक्टिंग कर रही है। वो भाई देखो, उसको पतली सी साड़ी से उसको पीट रहा है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा एंड वो बंदा चला गया। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, अब ये देखो पत्थर को घिस रहे हैं, इस पत्थर से फिर ये डिजाइन बनाएंगे। देखो ये पत्थर पे पत्थर घिसा, वो देखो उसको फिर से एक पतली सी सड़ी है और उसी वुमेन को है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, दिस इज द जंपर, दिस इज जंपर, दिस वन इज ओके। ओके, ये देखो पत्थर को घिस रहे, वाइट और येलो दो कलर के पत्थर है और फिर उसको इससे डिजाइन बनाएंगे। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं और वो लोग पत्थर पे पत्थर घिस रहे हैं। एक येलो रेड कलर का पत्थर है, जो बड़े पत्थर पे घिसता है तो उसके अंदर से जो कलर निकलेगा उस कलर से डिजाइन बनाते, और एक दूसरा वाइट कलर का भी, उससे भी डिजाइन बनाते। और ये जो युवा लड़के हैं इनके पास पतली पतली एक छड़ी होती है, ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी छड़ियाँ पड़ी हुई है। इस छड़ी से उन महिलाओं को पीछे पीठ पे एक तरह से देते हैं, तो उससे क्या है वो फिर पता नहीं क्या हो रहा है, उसके पीछे ऐसे डांस कर रही हैं, फिर वो बजा रही है। तो इस लकड़ी से इसका मतलब ये हो रहा है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए ये लोग बार बार आके बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे मुझे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू। ये देखो ये फिर से ये हंस भी रहे हैं,
और इस वुमेन ने इसके वैसे वापस ले लिया। भाई वो लंबे वाला लड़का देखो फिर से तैयार होके चला गया और ओ माय गॉड, they are only two family. Yes, two family. Mother family and father family. Father clan and mother clan. Okay. तो ये कुल मिला के दो फैमिली है, एक लड़की वालों की फैमिली है और एक लड़के वाले की, मदर फैमिली और फादर फैमिली, और बस सब रिलेटिव है। और ये आज इनका आयोजन है और ये लोग इसको ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। भाई ये तो थोड़ा अलग ही किस्म का प्रोग्राम हो रहा है, इनको खुशी हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इनका ये कल्चर यहाँ कहाँ से आया। देखो यहाँ पे डिजाइन बना रहे, देखो अब ये देखो ये सर में पहनने का एक गहना भी बना दिया इन लोगों ने, जो कबूतर या चिड़ियाओं के पंख से बनाया है। और ये भाई ने देखो यहाँ पे चमड़ी जो स्किन होती है उससे ये तैयार किया है। और अब ये लोग यहाँ पे आगे का प्रोग्राम करते हैं। ये पानी है देखो, इसमें पानी है और ये पानी यहाँ पे इस बर्तन में गिराते हैं। ये प्रोग्राम दिन के 2:30 बजे के आसपास हो रहा है, मतलब ये लोग 1 बजे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इनके फैमिली मेम्बर है वो सब तो ज्वाइन करते ही हैं, दूसरे लोग इन्हीं की जाति के आसपास के लोग भी आते हैं, कुछ देर देखते हैं फिर चले जाते हैं। ये देखो ये रिक्वेस्ट कर रही है कि कम ऑन अगेन। ये देखो यहाँ से एक छड़ी उठाई, गाना गा रही है, इनको चिढ़ा रही है। तो मैं सीमित शब्दों का प्रयोग करूंगा, मेरे कहने के भाव से आप समझ जाना कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जब हम पढ़ाई अच्छी नहीं करते तो टीचर हमारे साथ क्या करते थे, वही इलाज यहाँ पे किया जाता है। और वो पता नहीं क्यों है, वो का स्टूडेंट बार बार आके कह रही है कि आओ और मेरे साथ जो टीचर वाला बर्ताव है वो करिएगा। और वो इलाज करते हैं बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। इलाज करने के लिए ये पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं पतली पतली, उसी से इसका इनका इलाज करते हैं। और ये बार बार आके वही रिक्वेस्ट करती है भाई आओ आओ मुझे। ये आंटी थोड़ी ज़्यादा ही जोश में लग रही है। देखो एक ये है एक वो है उधर वाली, ये हाथ में गहना वगैरह है। ये देखो पत्थर घिसा, जो कलर निकला उससे ये डिजाइन बना रहे हैं। अब ये लोग मॉडर्न भी हो गए, देखो फोन पे बात भी कर रहे हैं लेकिन अपना कल्चर तो बनाए रखा हुआ है इन लोगों ने। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ इनका सीन है। तो आज इस प्रोग्राम का जो मुख्य भाई है, जो बुल जंपिंग करने वाला है, वो ये वाला भाई है। बाकी सब लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले बुल जंपिंग कर लिया है और आज ये भाई बुल जंपिंग करेगा और इसके बाद ये अडल्ट हो जाएगा, इसके बाद ये योग्य हो जाएगा कि ये भाई शादी भी कर सकता है, घर के डिसीजन ले सकता है। इसलिए ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये प्रोग्राम है और ये महिलाएं जो है ये उनको सपोर्ट कर रही है कि हम हमारा आपको देने के लिए तैयार है, हम आपके लिए हर दम तैयार है, आप बस आगे बढ़ो और परिवार संभालो, ये कहना है इनका। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और इसके बाद बुल जंपिंग भी होगा तो वो भी देखेंगे इस भाई के लिए। तो यहाँ पे कुछ 5-10 बेल भी लाए हुए आपने देखा होगा नदी में से, वो भी आपको दिखाएंगे। Soil and red soil, those are not married.
ओके रेड सोयल इज मैरिड ब्लैक वन नॉट नॉट ओ ये डिजाइन बना दिए भाई साहब ने और ये अभी रेडी ही ऑलरेडी जंप्ड लास्ट तो ये भाई ने पहले ही जंप कर लिया है और इसके फेस पे डिजाइन ये इन्होंने बना दिए तो अब ये लोग तैयार हो गए हैं। जिन लोगों ने बुल जंपिंग कर लिए वो लोग आज डिजाइन बनवा रहे हैं और कुछ दिनों बाद जब इनके घर वाले इनके लिए वाइफ ढूंढ के ला देंगे तो ये जब तक शादी तो नहीं करेगी जब तक ये लोग उसको कुछ गाय वगैरह सब जो पैसे वगैरह देना है वो सब नहीं दे देंगे तब तक वो शादी नहीं करेगी, लेकिन वो देने के बाद वो उससे शादी कर लेगी। ये शादी एक दो तीन ऐसा कर सकते हैं, जितनी शादी करेंगे उतना वो गले में ज़्यादा पहनना पड़ेगा। और इधर ये बैठ के पेंटिंग वेंटिंग बना रहे हैं और बड़े शौक और चाव से बना रहे हैं। इनमें कौन ये सब डिसीजन ले रहा है ये हम नहीं जानते, और जो बचा खुसा माल है उससे ये भाई अपनी कुर्सी को तैयार कर रहा है, रेड कर रहा है, कलर कर रहा है। देखो कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, तो वुमेन क्या गाना गाती वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो वुमेन ये गाना गाती है यहाँ पे आके उसको मोटिवेट करती है कि और उसको उसकी इंसल्ट करती है कि तुमने जो काम किया उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो उसके मतलब तेरे से होगा भी नहीं कुछ, इस तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो फिर वो बंदा फिर से तैयार होता है, फिर वापस जाके फिर से वही प्रोग्राम को दोहराता है। और यहाँ पे कुछ लोग सो भी रहे हैं तो वो पता नहीं कोई मुखिया लग रहा है मुझे। अरे भाई साहब इनका प्रोग्राम कैसा है पता है, ये जब बुल जंपिंग कर लेते उसके बाद ये घर नहीं जाते भाई, जो यंगेस्ट लड़के हैं वो बाहर ही रहते हैं और उनके घर वाले जब बुल जंपिंग कर लेते उसके बाद इनको बकरा दे देते हैं और कुछ खाने के लिए मद दे देते हैं और उसी के साथ इनको गुजारा करना होता है, जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही सोते हैं, बराबर ना। तो जो लोग पीछे बच गए उनके लिए फिर से यही सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और वो लड़के भी इसके साथ पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये 5-7 लड़के जो होते हैं वो इसी तरह से जंगल में रहते हैं, जब तक घर वाले लड़की ढूंढ करके तैयार नहीं कर देते तब तक वो ऐसे ही जंगल में ही रहेंगे। तो ये वाला सीन है, अब बात ये समझ में आई है। तो अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को और ये लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ये भाई हंस भी रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इनका, इसलिए ये लड़के फिर से जाके उसकी धुलाई करते हैं। देखो वो देखो वो देखो, और दो तीन महिलाएं हैं जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अब देखो फिर से डांस करने लग गए भाई साहब, देख लो जंप कर रही हैं जमीन पे, काफ़ी ज़्यादा जोर से पग पटक रही है तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है इतना। इनका वजन तो कम ही लग रहा है लेकिन ये बड़े पावरफुल लोग हैं। देखो बजा रही है, गा रही है, नाच रही है, बीच बीच में जब ये थक जाती है तो थोड़ी देर रुक भी जाती है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं बुल जंपिंग की तैयारी हो रही है और रास्ते में भी जो टीचर वाला सिस्टम है वो यहाँ पे भी चल रहा है और इन्होंने रास्ते में भी वही प्रोग्राम कर लिया है टीचर और छात्र वाला। और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये धड़ाधड़ शॉट दे रहा है और अभी हम लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं उस तरफ जो बुल जंपिंग वाला प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। वो देखो वहाँ पर बैल खड़े हैं और ये सारे लोग आ रहे हैं, देखो पीछे पूरी जान आ रही है। ये भाई इसके लिए यहाँ पे खड़ा है नाका लगा के।